शिवम ठंडे दिमाग से सोचो, क्या प्रीति को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए? भैया बात प्यार की नहीं है, बात यह है कि उसने हरकत कैसे की। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रीति ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई। अरे हम दोनों के बारे में सब कुछ मालूम था शादी से पहले उसको। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी तुम्हारे बारे में बात किया करता था उससे। हो सकता है वो बेचारी डर गई हो तुम। अरे किस बात का डर? हाँ भाई उसका कम से कम एक बार तो शेयर कर सकती थे ना मुझसे। सबकी बदनामी हो चुकी है, तुम सोचो हमारे घर की क्या इज्जत रह चुकी है। तुम प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज हाँ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? इस बार तो कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर ये सिचुएशन किसी के भी घर पे होती तो हर कोई ऐसा ही रिएक्ट करता। हाँ भैया तुम ध्यान से सोचो, अगर आज के बाद तुम माँ नमिता प्रीति तुम चारों में से कोई भी घर के बाहर निकलेगा तो लोग तुम चारों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। भैया ये कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर घरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते हैं, एक दूसरे के सामने बंद होते हैं। अगर यही बात घर के अंदर खुली होती तो हम प्रीति की शादी कर देते और किसी को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सबके सामने खुल चुकी है। अगर उसके बावजूद भी हम प्रीति की शादी कर देंगे तब भी लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। अब इसका असर नमिता की जिंदगी पर भी पड़ेगा, उसके लिए भी रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। अब तो शिवम ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती है। प्रीति और मोहित ने रेडियो रेडियो पे जो भी बोला वो जानबूझ के नहीं बोला होगा। और मुझे कल ही पता चल गया था कि प्रीति और मोहित के भी क्या पता चल गया था तुम्हें? हाँ क्या पता चल गया था तुम्हें? प्रीति और मोहित एक दूसरे से प्यार करते। मैंने उन दोनों को एक साथ रेडियो स्टेशन पे देखा, फिर घर पे भी देखा। उनसे कहा था कि वो लोग खुद आके तुम्हें बता दे वरना मैं बता दूं, पर इतने टाइम में इतना बड़ा तमाशा हो गया। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई रिया। अपने बच्चों के लिए पानी लेके जा रही, शरबत लेके जा, बड़ा नाम रोशन किया इस घर के चिरागों ने। नानी सामने जाते हैं वाटर्स। हमें दे दो। यस। क्यों? अरे कम से कम एक बार तो आके मुझे बता देती तू। बताना चाहती थी लेकिन प्रीति ने मना करा था। प्रीति ने मना किया और तुम मान गई? हाँ अरे बच्ची है वो, उसे क्या पता। तुम्हें अच्छे से मालूम है इससे पहले भी इस घर में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, लेकिन उसके बाद तो तुम हमेशा बोलते रहे, तो इस बार क्या हो गया तुम्हें? डर गई थी शिवम। ओ गॉड्स भाभी आपको सब पता था, फिर भी आपने सबसे छुपाया घर में। तुम यहाँ क्या कर रही हो परी? हम तो वाटर्स देने आए थे, मामी ने बोला था जाके वाटर्स दे आओ। यार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है उसका। I'm really sorry, लेकिन जो हो गया है वो तो हो गया ना। अब सोचो कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अरे सिचुएशन को हैंडल करके हम क्या करेंगे? हा? अगर एक बार तुम उस लड़के को इस घर से बाहर निकाल देती ना तो आज हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये कोशिश तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे रिया। मैंने कोशिश की थी होकर। नानी नानी आपको पता है रिया भाभी को ना प्रीति के बारे में सब पता था, उन्होंने आप लोगों से छुपाया
और उन्होंने ना प्रीति को अल्टीमेटम्स भी दिया था। कहा दिया प्रीति को? अरे वो कहते हैं ना नानी, क्या वो मोहलत मोहलत। आधी रात को नीचे तू उस लफंतर को ये पाठ सिखा रही थी, और जब हमने पूछा तो झूठ सरका दिया हमारे कान में। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, घर में सबको मेरी वजह से सुनना पड़ रहा है, पापा मम्मी सबको। मैं ही मर जाती हूँ, बात ही खत्म। जमीन का नाप रहे हो? जब सरला के तिक्रम के बारे में बताना था तो जमीन आसमान एक कर दी, तो ई बात के लाने काए सील दिया अपने होठ। तो कपड़ा था भौरिया अम्मी जी, मैंने उन्हें टाइम दिया था कि वो आज शाम तक सबको बता दे। मैं नहीं जानती थी कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। दो बार हमका दो बार शक हुआ, दो बार पूछा इससे, फिर भी मुंह से कछु नहीं फूटी। और अब कह रहे जान बूझ कर छुपाया का करना चाहती हो, हमारे परिवार को चौराहे पे ले आओगी? कह रहे कुसिया ये है ना रिश्ते तोड़ने में लगी हुई है, पहले हमारा रिश्ता तोड़ दिया सरला के साथ, अब तुम्हारे और प्रीति के पीछे पड़ी है। अब दोनों लड़कियों को घर से सरकाना चाहती है ताकि अकेली रह जाए और अकेली राज करे इस घर पे। बहुत हो गए तुम्हारे चोचले, अब हम नहीं सह पाएंगे। तो घर से मैं नहीं रहेगी, घर में नहीं रहेगी। क्या कर रही हो? अरे क्या गलती है लड़की की, सोचो जरा इस बारे में। हमारी लड़की को हमारे ऊपर भरोसा नहीं तो बाहर वाली लड़की से क्या उम्मीद रखोगी? अजय एक बात नहीं सुनेंगे तेरी रघुआ, चल तू। पापा जी, अम्मा सुनो। दादी जी मैंने कुछ नहीं किया। अरे अम्मा रुको, बात सुनो हमारी। क्या कर रही हो? कोई गलती नहीं है लड़की की। अरे हमारी लड़की ने हमसे बात छुपाई है तो इससे क्या उम्मीद रखे, क्या बोले इसको? शादी क्या हुई? हम तो इस घर के ड्रामे को भूले गए थे। अरे काहे नहीं परी, तुम भी अपने घर में ये सब ड्रामा शुरू कर दो। वैसे भी तुम्हारे घर में ना दो चार ठो नन तुम्हारी जैसी आ गई ना, तो ऐसे ड्रामे तो होते ही रहेंगे। यू चीप लेडी शट अप्स ओके। चीप्स बिचूस के अंग्रेजी ना हमारे सामने तो झाड़ना नहीं, अगर हमने अपनी हिंदी दुकान खोल दी ना तो छक्के छुड़ा देंगे, समझी? चुप हो जाओ समझी, तुम चुप हो जाओ। बढ़िया है, चल। तोड़ दरवाजा।
रही क्या? प्रीति, 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 हमारी प्रीति, हमने डाउन से, माफ कर दो दादी, पानी पी ले बेटा, प्रीति पानी पी लो। तो एक गलती हो गई दादी, मुझे माफ कर दो। चलो सरको साहब, तमाशा खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे तमाशा खत्म हो गया? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है, इतनी बड़ी बात चल रही है, ऐसे कैसे चले जाएं अभी हम? बेटा जाना तो पड़ेगा ना, तमाशा हो गया, बहुत हो गया, जाओ अपने घर जाओ, सुखी रहो। यहाँ का ही सब तमाशा लेके अपना घर का माहौल खराब करोगी का? हैं? जा, सब तुम्हारे जितने अच्छे तो नहीं होते, सीधे नहीं होते ना, जा। हाँ वो तो है नानी, पर हमें ना आपके लिए बहुत ही सैड फील्स हो रहा है। और प्रीति तुम, हाँ, यूलेस कैरेक्टर, आई हेट यू, ये सब तुमने क्यों किया? देखो नानी बहुत अच्छी है, तुम्हें नानी को बता देना चाहिए था, नानी तुम्हारी भी लव मैरिजेस करा देती हमारी तरह, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ अब हमारा फैमिलीज में कहीं नाम नहीं रहा ना। तो सरको साहब, अरे मेरी वजह से पूरे घर के बदनामी हो गई, मुझे माफ कर दो। चलो हाउजेस में चलते हैं, यहाँ तो सबके पर निकल आए हैं, पर चलो। आज भी इन लोगों ने हमारा अपमान कर दिया, पर आम इंसान के सदन के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। देख रुक जाओ, एक कदम मत बढ़ाना हमारे पास। दादी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे हर चीज के लिए ब्लेम करती हैं? किया क्या है मैंने? क्या किया है तुमने? हमारे अंगने में आके इसकी दिशा बदलने की कोशिश की है। अरे जिस दिन हम तुझसे टकराए ना, उस दिन से हमारी सारे शक्ति शुरू हो गई। श्राप लग गया है हमको तुम्हारा। पहले दिन मिली तो हमारी सैंडल तोड़ दी, दूसरी बार हम पे कीचड़ उछाला, और तीसरी बार तो हमें रिक्शा से गिरा दिया। जिस दिन से बहू बन के आई वो कांड की है तुमने हमारे अंगने में। पहले हमारी बिटिया का विसर्जन करवाया, उसके बाद बुलेट राजा जो जान देता था अपनी बहनों के लाने, उसे अपनी लुगाई के अलावा और कोई दिखता ही नहीं। उसे मन नहीं भरा हमारी गौ जैसी कुसिया, जो हमारे सामने जब खड़ी रहती थी जमीन से आंखें नहीं उठाती थी, आज हमारी आंखों में आग डाल के जवान लंबी करने लगी है। वो राम जैसा भगवा, दुनिया की कोई ताकत उसे हमसे दूर या अलग नहीं कर सकती थी, तुम्हारे नाम के मंजीरे बजाने लगा है। तूने हमारे बिटवा के कान में हमारे खिलाफ ढेर घोल दिया है।
तुमने हमारे अंगने में पैर रखा है, कांटे ही कांटे बो दिए। जाओ पाओ रखो पैर, छल्ली हो जाता है। शांति सदन को अशांति सदन बना दिया है तूने। अब तो शांति तभी लौटेगी जब इस घर से हम तुम्हारी विदाई करेंगे। तू तो हम करके रहेंगे, ये वचन देते हैं तुमको हम। ऐसा कुछ नहीं होगा और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना मैंने इस घर में कांटे बोए हैं, ना मैंने किसी को आपके खिलाफ भड़काया है। इस घर में जो भी हो रहा है मेरी वजह से नहीं हो रहा है। इस घर की अशांति की वजह मैं नहीं, आप हैं। हाँ आप हैं, आप जबरदस्ती मजबूर करती हैं सबको कि सब आपकी तरह सोचे, आपके हिसाब से जिए, आपके हिसाब से चले। कहने को तो आप घर की अम्मा है लेकिन अपने बच्चों को समझती नहीं है, आप जानती नहीं है उन्हें। आप नहीं चाहती कि वो आपसे प्यार करे, आप चाहती है कि वो आपसे डरे। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। मैं इस घर को प्यार से चलाऊंगी, सच्चाई से चलाऊंगी, आजादी से चलाऊंगी। चैलेंज करती हूं आपको कि आप मुझे इस घर से निकाल नहीं पाएंगे। बहू इस घर की, घर है ये मेरा, यही रहूंगी मेरे अंगने में। हमारी सत्ता को ललकार रही है, शांति देवी को ललकार रही है। हाँ जितनी बातें करनी है कर ले, पढ़ाई की, आजादी की, नौकरी की, पर तुम इस अंगने को अपना ना ही बना पाओगी, यहाँ के लोग को ना ही बदल सकोगे। अरे हमने अपनी जिंदगी दी है इन लोगों को। क्या सिखाया उस जिंदगी में? नफरत करना। जीने की आजादी तो आपने कभी दी नहीं ने? कल की आई छोकरी तू हमें सिखाएगी कि हम अपने परिवार को किस तरह से रखें। अभी पट्टी बंधी है उनकी आंखों पे, बहुत ही जल्दी पट्टी उतर जाएगी, हम उतारेंगे, फिर देखना तुम सब मिलके तुम्हें कैसे घर से सरकाते हैं। अरे अभी अभी तो तूने हमें जानना शुरू किया है। सच कह रही हैं आप? अभी अभी तो मैंने आपको जानना शुरू किया, लेकिन आप भूल गए कि मैंने इस घर के लोगों को खुद को पहचानना सिखाया। और ये बदलाव तो आप मानती हैं ना? और जो आप कहती है ना कि आपने पूरी जिंदगी दी है इस घर को, उस जिंदगी में क्या किया आपने? नफरत की दीवारें बनाई? नहीं टिकेंगी वो दीवारें, उन दीवारों की जड़ें कमजोर हो रही हैं, दीमक लग रहे हैं उन्हें। लेकिन मैं गिरने नहीं दूंगी इस घर को,
आगे ऐसे ही मजबूत खड़ा रहेगा। चलाऊंगी इसे मैं प्यार से, सच्चाई से। तुम हमें धमका रही हो? नहीं, समझा रही हूँ आपको, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जमाना बदल रहा है। ऐ, जमाना भी हम है और बदलाव भी हम है। घर के लोग सब बदलेंगे जब हम चाहेंगे। हम देखते हैं तुम्हारे बदलाव की हवा किसे हिलाती है। हवा तो बदल के रहेगी दादी जी। और हम तुम्हें इस घर से निकाल के रहेंगे, ये वादा रहा। मेरा भी एक वादा है आपसे, यहीं रहूंगी अपने घर में, मेरे अंगने में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।